टच मी नॉट है, नोट है ये, 1000 का नोट है। यहाँ पे अभी चल रहा है 2081, मतलब 2081। हम टाइम पास कर रहे हो, लग रहा है कि अभी 20 साल पीछे हैं। बॉर्डर क्रॉस करने से 500 मीटर पहले ही आप। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज की जो हमारी मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है नेपाल से, मतलब नेपाल में हम कल रात को एंटर कर गए थे। उसके 2-3 किलोमीटर आगे ही हमने होटल ले लिया, क्योंकि काफ़ी थक गए थे हम और काफ़ी परेशान भी हुए एंट्री करने में। तो हमने रात को 9 बज भी गई थी, तो हमने यहीं होटल ले लिया। तो एक बार मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। ठीक ठाक रूम मिल गया हमें, मतलब अच्छा रूम है। और जो हमें रूम मिला है वो मिला है हमें इंडियन रुपीज़ में तो 1700 बार्गेनिंग के बाद, और नेपाली में कहेंगे तो लगभग 3000 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो मैं आपको रूम टूर देती हूँ। मेज़्डअप है क्योंकि हम आते ही बहुत थक गए थे, सो गए थे। ये रूम है, सिंपल सा रूम है, अच्छा है, कम्फर्ट है। तो ये मिला है हमें इंडियन रुपीज़ 1700 में। ये बाहर से व्यू है। हाँ जी, होटल से निकल के हम निकल चुके हैं पोखरा की तरफ, और अभी तो बुटवाल रीजन में ही ट्रेवल कर रहे हैं, और आगे हल्के हल्के हमें पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। तो जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी इतनी ज़्यादा शुरू हो गया है। बस अब नाश्ते के लिए रुकना है, उसी के लिए कुछ देख रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे लेकिन बहुत टाइम लगा दिया, मेरे को ही करना था, खाली कुशाल को करना नहीं था, इसलिए मैंने पैक करा लिया। नाउ वी आर ऑफिशियली एंटरिंग टूवर्ड्स माउंटेन। बस यहाँ से अब शुरू है थोड़ा सा जंगल का रास्ता और माउंटेन्स। बढ़ रहे हैं, और ये जो आप रिवर देख पा रहे हैं ना साथ में चलती हुई, ये पोखरा तक हमारे साथ चलेगी। ये है तिनाऊ रिवर, तिनाऊ या टिनाऊ ऐसा कुछ नाम है, ये है तिनाऊ रिवर। और ये हमें दिख चुका है छोटा सा वाटरफॉल। थोड़ा सा और ये पोखरा 150 किलोमीटर्स के, गूगल हमें बता रहा है 5 आवर्स। तो रोड की स्थिति ऐसी है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए टाइम लगेगा। ये रेडियो पे चल रहा है और इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि अभी 20 साल पीछे हैं, बचपन में चले गए, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। आप भी सुनना इसको, आप भी वही फील करेंगे जो हम कर रहे हैं। पुरानी बातें लग रही है। सड़कों का काम लगातार चल रहा है। अभी हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोखरा ही जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन दिखी मुझे बीच में। टेम्परेचर भी धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, आगे तो 40 डिग्री टेम्परेचर था, अभी धीरे धीरे 33-35 हो रहा है, आगे और टेम्परेचर डाउन होगा। तो कुछ बातें मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी
जो कि आप नेपाल अगर आते हैं या आपके फ्रेंड्स फैमिली आते हैं तो आपके लिए बहुत काम की रहेंगी। सबसे पहले तो जो मैंने आपको कल बात बताई कि बॉर्डर से निकलते समय हमें बहुत सारा टाइम लग गया, मतलब आप मान लीजिए 3.5-4 घंटे लगे, उसमें से आधा टाइम तो हमारा ज़्यादा ही लग गया कि वहाँ पे एक झगड़ा हो गया था तो उस वजह से बॉर्डर सील हो गया। दूसरी बात, इलेक्शन भी है तो बॉर्डर बंद भी जल्दी हुआ। तीसरी चीज़, हमारे पास ओरिजिनल आरसी नहीं थी, हमारी किसी कारण से वो खो गई थी तो हमने कलर्ड प्रिंट निकलवाया, उसमें कस्टम का बोल सकते हैं ठप्पा लगवाया, उसके बाद हमें जाने दिया आगे। तो इन सब में हमारा टाइम ज़्यादा लग गया, ट्रैफिक भी आगे जाम हो गया। चलो ये सब तो अलग बातें थी। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि 1100 रुपये हमारा पर डे का टैक्स लग रहा है। उसमें फिर मैंने सोचा, क्योंकि एकदम से मुझे पता लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन मैंने जब उसको कैलकुलेट किया तो 1100 रुपये नेपाली करेंसी में लग रहा है, इंडियन रुपीज़ में 700 है वो। तो जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे टॉल नहीं है, तो टॉल भी उसी में आ गया। तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, इंटरनेशनल आप जा रहे हो तो इतना तो लगेगा आपका, और बॉर्डर भी इंटरनेशनल है तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है क्रॉस करने में, कोई आम बात नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ और कि आप जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इवन बॉर्डर क्रॉस करने से 500 मीटर पहले ही आपका जो नेटवर्क है वो चला जाएगा, जियो एयरटेल कोई सिम नहीं चलेगी आपकी। तो आपको बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे एनसेल नाम से और एक आधा और मेरे ख्याल से होगा उसकी सिम मिल जाएगी, जो कि आपको आईडी प्रूफ देने में मिलेगी, और मे बी टेम्प्रेरी टाइम पीरियड के लिए होती है। मतलब हमें 200 रुपये लगे हमारे उस सिम में और हमें 4GB मिला, आगे रिचार्ज हम करवा सकते हैं उसका, वो भी हम आके देखेंगे पता करेंगे। तो एक तो सिम की बात रही ताकि आप अपने जहाँ पे कनेक्ट रहना है वहाँ रह पाए, नेट आपकी सिम कुछ भी नहीं चलेगा तो सिम जरूर ले लें आप। एक करेंसी की बात बतानी थी मुझे, करेंसी हमने इंडिया के बॉर्डर से पहुँचने से पहले ही हमने चेंज करवा ली। करेंसी का रेट यहाँ पे चल रहा है 1.6, इसका मतलब अगर आप इंडियन रुपीज़ में 1000 रुपीज़ दे रहे हैं तो आपको नेपाली करेंसी 1600 रुपये मिलेंगे। काफ़ी हमने पता किया लेकिन हमें जो रेट मिले 1.59 के हिसाब से मिले, मतलब 1590 रुपये मिले, विच इज़ रीज़नेबल, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी, मैं आपको करेंसी थोड़ी सी दिखा देती हूँ, यहाँ के नोट्स, यहाँ पे अभी भी 1000 का नोट चल रहा है। जैसे ये जो नोट है ये 1000 का नोट है, ये 500 का नोट है, और ऐसे ये 10 का नोट है, 50 का भी नोट यहाँ पे है, 100 का भी है, अभी मेरे पास नहीं है, अंदर पड़ा है। तो ये तो रही करेंसी की बात, तो आप इंडिया के बॉर्डर पहुंचने से पहले ही करेंसी चेंज करवा। दूसरी, मुझे नेपाल में आकर के एक बात पता चली जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे अभी विक्रम संवत के हिसाब से ईयर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे अभी चल रहा है 2081, मतलब 2081, हमारे यहाँ पे 2024, 2024 यहाँ पे चल रहा है 2081। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि विक्रम संवत फॉलो कर रहे हैं ये। तो बाकी भी जो ऐसी जानकारी होगी वो मैं आपको आगे देती रहूँगी, अभी तो हमारी यात्रा शुरू हुई है। अभी तक जो बॉर्डर से रिलेटेड जानकारी थी वो मैंने आपको दी, और आप ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, चाहे आप नेपाल जब भी जाएं, आपकी फैमिली कोई जाएं, आपके लिए यूज़फुल रहेगा। फिश पकड़ रहे हो क्या भैया? फिश है क्या? टाइम पास कर रहे हो? तो भैया इतने समय कहाँ फिश आएगी, आती है क्या? दोस्त है? हाँ। उसे ये क्या रहने का? हमारे नहीं है, ठीक नहीं, चेक कर रहा हूँ। अब वो दो लोग वहाँ पे ही पकड़ रहे हैं। हाँ, वो दो लोग सही है, उधर है मेरा मछली। उधर है क्या? हाँ। तो आप इधर क्यों बैठे हो? आप फिर इधर क्यों बैठे हो? टाइम पास है भी है। टाइम पास है। स्कूल है क्या पीछे? आगे क्या? देखो, कौन सी मछली है ये? बोटी बोलता है। क्या बोलते हैं? बोटी 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 है ये, बोटी। अच्छा, क्या बात है? हाँ, यूट्यूब पे। हेलो, हमारी तो देखिए बार बार ब्रेकें लग जाती हैं। अभी ये ब्लैक कॉफ़ी के लिए ब्रेक हुआ है, मैं नहीं पीऊँगी, ये मेरे हस्बैंड पियेंगे। और आम का पेड़ है, कैरी का, यहाँ हम ले रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी का आनंद, हम नहीं ये ले रहे हैं, और मेरे को पीनी पड़े तो भी ये मेरे लिए आनंद वाली बात नहीं है। रास्ते काफ़ी रफ पैचेज हैं इसी तरीके के, क्योंकि अभी रोड बनी रही है, यहाँ पे लगातार काम चल रहा है रोड्स का, और जगह भी कम है तो पास देना ही पड़ता है, फिर उसके लिए भी वेट करना पड़ता है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
रफ पैचेस कम नहीं है, काफी सारे हैं। अभी पोखरा 100 किलोमीटर और है और काफी ऐसे रफ पैचेस आ गए हैं, काफी की तो वीडियो भी नहीं बनाई हमने। लेकिन ये अच्छी बात है कि काम लगातार चल रहा है और सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर एडवेंचर का मतलब ही नहीं रहता। क्यों पोखरा से 66 किलोमीटर दूर है अभी और अभी भी पहुंचने का समय बता रहा है कम से कम 2.5 से 3 घंटे। अभी 3:30 हुए हैं, 6 बजे पहुंचने का बता रहा है, आधा घंटा और ऊपर मान के चलिए। लेकिन व्यू बहुत शानदार है, गांव है छोटा सा, बहुत ही अच्छा बसा हुआ है। शान ये जो ये है ना, ये टच मी नॉट्स हैं, तो कैसे ठीक है टच मी नॉट है, तेको पता नहीं क्या इसके बारे में, ये बंद हो जाते हैं। टच मी नॉट, ये क्या है टच मी नॉट? सही है, नाराज हो गई है। हाँ बीवी को तो हो गया नहीं ना नाराज होने को। भेजो भेजो, ये मैं गुरुद्वारे में जब फ्लावर नहीं लगाए थे, अभी खिलेंगे क्या वापस थोड़ी देर में। सुनो हाँ। जब गुरुद्वारे में लगाए थे ना मैंने, तो उसमें से एक पौधा ये लगाया ना मैंने, तो मैं ध्यान ही नहीं है। पोखरा से 50 किलोमीटर दूर हैं, रास्ते में ये मार्केट आया है और अभी तक जितने ही मार्केट आए हैं मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ, हर दुकान के बाहर आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है फसल, मतलब अगर समझ लो गोल्ड की दुकान है तो सोना चांदी फसल है ना, कुछ खाने की दुकान तो किराना फसल, तो मुझे लगता है यहाँ पे दुकान को फसल कहते होंगे। मैंने पूछा नहीं अभी किसी से, ये मैं खुद ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि दुकान को फसल कहते हैं। पोखरा अभी हम पहुँचे नहीं हैं, एक वीडियो में पोखरा पहुँचने तक की जर्नी को दिखाना मुझे जस्टिस नहीं लगा क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। आप ये व्लॉग देखिए और आगे जो आने वाला व्लॉग है उसको भी देखिएगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, व्लॉग्स को देखते रहिए, नेपाल से जुड़ी सारी की सारी जानकारी आपको हमारे व्लॉग में मिलेगी, नेक्स्ट व्लॉग में भी जो पोखरा से रिलेटेड जानकारी है वो मिलेगी आपको, तो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।